हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। बकैसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो K2 गेमर्स पाकिस्तान के जो फाइनल्स के लेन मैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और यार उसमें आई टी स्पोर्ट्स की तरफ से हमें सिर्फ क्रिप्टो और IQ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बगैर मजीद दो प्लेयर जो है वो रिव्यूज और वोल्ट्रक्स है जो की आई टी स्पोर्ट्स के साथ खेल रहे हैं, और यार फलक उजम और ट्रेंडा वगैरह जो है वो हमें इवेंट अटेंड करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, और इसी वजह से आई टी स्पोर्ट्स का लाइनअप मैचेस वगैरह खेल रहा है। आईटी स्पोर्ट्स के इन प्लेयर्स की और K2 गेमर्स में मजीद कुछ टीम्स की जो एंट्री वगैरह हुई वो पूरी देखनी हो तो चैनल को मैं डिस्क्रिप्शन में टेक कर दूंगा, क्योंकि कुछ टीम्स की एंट्री वगैरह भी मैं आप लोगों को K2 गेमर्स के लेन में दिखा देता हूं। यस, एंड नाउ द मोस्ट फेवरेट टीम ऑफ PUBG मोबाइल, टीम एगोन एक्साइट, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज एगोन एक्साइट फॉर यू गाइस। Guts and glory. Umar sahab, sir, aap the seat laaye aur team ko welcome kare sir, please. Please on stage. Now, wo team jo ke bahut tagda khel khel ke abhi tak unhone apna naam banaya hai, team Nameless. क्या सर साहब, तो प्रोडक्शन इतनी ज्यादा खास लेवल की नहीं है, लेकिन हमें जो चाहिए कि इनको अप्रिशिएट करें कि कोई ना कोई तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, और अगर हम यहाँ इनको हेट देने लग जाएंगे तो बैठ दिए पाकिस्तान में ऐसा ही होना कि कोई भी और जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर प्रोडक्शन जैसी भी है तो हमें अप्रिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। K2 गेमर्स के मैचेस को जो रिजल्ट वगैरह आते हैं और जो भी सारा सीन होता है तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो PMGO के 3 दिन जो है वो भी खत्म हो चुके हैं, और यार ओवरऑल स्टैंडिंग जो है वो हमारे सामने तो नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज वगैरह और कुछ ऐसी लीक्स वगैरह है मेरे पास जिसके मुताबिक आईटी स्पोर्ट्स और टीम नेमलेस जो है वो पाकिस्तान से 1-8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, और ये राउंड जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर आईटी स्पोर्ट्स ने D3 के मैचेस खेले या नहीं वो कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन D2 के मैचेस जो है वो आईटी स्पोर्ट्स ने क्यों मिस किए थे और किस वजह से आईटी स्पोर्ट्स जो है वो सही से नहीं खेल पा रही PMGO के क्वालिफायर्स के मैचेस, उसी के लिए फलक जो है वो घूस की स्ट्रीम के ऊपर बात करते हैं और वो कुछ ये कह रहे होते हैं। तो यार PMGO तुम लोग क्वालिफाइड हो ना टेटी? नहीं यार, हमने वो D2 नहीं खेले कल, वो शायद आज भी नहीं खेल पाएंगे। क्यों? वो उजम ने यार D1 उजम ने जो रजिस्टर किया था ना वो ट्रेंडा के फोन से किया था, क्योंकि उसने अपने अकाउंट से नहीं खेल सकता था, उसने एक मिस्टेक की थी। हाँ, तो फिर D1 उसने ट्रेंडा के फोन से खेला। सही है, हम लोग 8th पे थे, फिर D2 जो है उसने अपने फोन से खेलने की जो सारी सेटिंग्स है ना अपने फोन पे की अकाउंट वगैरह, तो वो लॉग इन नहीं कर पा रहा था, उसके फोन से जो है ना हो नहीं रहा था, और वो उसको फिर बोला ट्रेंडा के फोन से खेलो, फिर वो ट्रेंडा के फोन से नहीं खेल सकता क्योंकि वो कराची गया हुआ है, ट्रेंडा अलग है दोनों, फिर ट्रेंडा को बोला चल तुम आओ ना, मतलब आगे में स्टार्ट करवा दो ना मैच, तो वो भी नहीं खेल सकता क्योंकि GAC में उजम की पिक चाहिए उसको। यार हम खुद पता नहीं 130 रैंक पे चल रहे भाई, इतना फर्क सर्वर देते हैं उनके भाई, और हमारे भाई आधे मैच में हमारे टीममेट खराटे मार रहे होते हैं, सो जाते हैं मर के भाई। हमारे बंदे मर के सो जाते हैं उधर ही माइक ऑन करके भाई, खराटे मार रहे हैं, जो बंदा क्या खेले भाई। सही शुगर ली है PMGO भी भाई। नहीं यार हो जाते, पता है हम लोग पर लक ही नहीं यार, नसीब ही नहीं, तुम लोग तो हो जाते। तुम लोगों ने डेवन बहुत अच्छा निकाला था ना, टॉप 8 में पता नहीं किधर बैठे हुए थे, अभी भी हम लोग तो 63 पे थे, 60 इधर कहीं थे तुम लोग, मैंने कल देखा था।
हाँ 60 पे ही है बल्कि। ना 63, पता नहीं कितने इतने को रैंक पे थे तुम लोग। अगर तुम लोग लकी हो तो आज हो जाओगे, अगर किसी ने ज्यादा हरामी नहीं खेल लिया ज्यादा टीम ने तो फिर खेल निकाल लोगे तुम लोग आज ही, क्योंकि 128 क्वालिफाई है ना। हाँ तो अब डेट 3 में टीम स्काईफोर्स वगैरह जो है वो भी क्वालिफाई कर चुकी है, और टीम होला वगैरह जो है वो भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन जैसे ही मजीद डिटेल्स आती हैं वो भी मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।